माननीय मुख्यमंत्री जी जो आ रहे हैं, पहला उनका ये होली का मेला जो है मुख्यमंत्री के तौर पर उनका पहला ये टूर है सुजानपुर की, जो होली इंटरनेशनल लेवल पर इसको मनाया जाता है और बहुत ही बड़ा मेला लगता है, उसके लिए वो आ रहे हैं। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय इस के लिए निकाला है। और दूसरी तरफ हम बधाई भी देना चाहेंगे सभी लोगों को, हिमाचल के सभी वासियों को, प्रदेशवासियों को, हमीरपुर के सभी लोगों को, भाई बहनों को, जो रंगों का त्यौहार है होली, इसके ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सर, देवर सिद्ध में मेला भी शुरू हो रहा है और आपने उस ट्रस्ट का जो है वो गठन भी करवाया था, लंबे समय से आप लोग लगे रहते हैं समाज सेवा में, क्या लगता है आपको देवर सिद्ध का जो मंदिर है उसमें क्या सुधारों का गुंजाइश है? देखिए श्री जी, आपने पूछा है मंदिर, देखो जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है, जैसे जैसे आजकल जो है जमाना बदल गया है, पहले मेले किसी और तरीके से होते थे, अभी लोग किसी और तरीके से होते थे, पहले श्रद्धालु ट्रकों में आते थे, ट्रैक्टरों में आते थे, अब धीरे धीरे लोग जो है कॉन्सेप्ट बदल गया, अब कारों में आ रहे हैं, बसेज में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, तो उसी तरीके से जो है वहाँ पर सुविधा भी उसी तरीके से होनी चाहिए, जो रहने की है, ट्रांसपोर्टेशन की है, जो पार्किंग की है, मेन जो सुविधाएं होनी चाहिए वहाँ पर श्रद्धालुओं को। जो देखो जोड़ सिद्ध में जितना पैसा आता है वो हिमाचल के लोगों को तो बहुत कम है, उसमें योगदान ठीक नहीं, बहुत कम लोग आते हैं, जो पंजाब है उसमें से लगभग 50 लाख आदमी जो है साल का आता है, लगभग 50 लाख के करीब करीब आदमी जो है श्रद्धालु जो है वो वहाँ पर आते हैं, बल्कि ज्यादा अचीव करते हैं, तो अब मैक्सिमम पैसा तो बाबा बालकनाथ के चरणों में जो है वो पंजाब से आता है, तो उनको उन श्रद्धालुओं को हमारा फर्ज बनता है कि उनको सुविधाएं दें, और सुविधाएं दो किस्म की हैं, एक उनकी गाड़ियों की पार्किंग के लिए और एक शौचालय की, जी जी, ये दो सुविधाएं जो है बहुत जरूरी हैं। अगर और हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ये जो नीड है सबसे ज्यादा जो दिक्कत है इनको इस चीज की होती है कि गाड़ी कहाँ खड़ी करें और शौच कहाँ रहे, जी जी, ये दो सुविधाएं तो बहुत जरूरी हैं। ठीक सर, ओके।